साविया खानशी हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पैंडमिक पे और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। लास्ट ईयर से ये पैंडमिक का सिलसिला चलता आ रहा है और इसने ना सिर्फ इकोनॉमिकली हम लोगों को इफ़ेक्ट किया है बल्कि मेंटली भी इससे काफ़ी जो है ना लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। और ना सिर्फ ये मगरब में देखा गया है बल्कि मशरक़ में भी इसके बहुत से आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक जो हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं कहेंगे बल्कि इफ़ेक्ट्स ही, बिकॉज अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज हम तस्कीन से इस बारे में डिस्कस करेंगे। तस्कीन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोग किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं मेंटली स्पेशली? फ्लाविया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छी आपने तवज्जो मबजूल करवाई इस टॉपिक की जानब, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि पूरी दुनिया में मुआशी तौर पर इकोनॉमिकली जो लोग इफ़ेक्ट हुए, ये दुनिया इफ़ेक्ट हुई, ये मुल्क जो है वो इफ़ेक्ट हुए, लोगों ने नुकसान उठाया मुआशी तौर पर, उस पर तो बात की जाती है, लेकिन जो नफसियाती मसाइल ने जन्म लिया उसको भी इतनी बात नहीं की गई। तो ये बड़ा अच्छी खुशायद माल है कि आपने अपने शो में इस जानब तवज्जो मबजूल करवाई। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि जैसे बरतानिया में भी हम बड़े बड़े चैनल्स पे भी देखते आए हैं, वहाँ पे सरकारी सतह पे बल्कि आपको याद हो कैंपेन चली थी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर कहीं रिपोर्ट होता है तो ये नंबर है या ये ज़राए हैं जिसके ज़रिए आपने इसको रिपोर्ट करना है। तो इट मीन्स कि वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़ हो रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ बरतानिया में नहीं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, हुए हों, इंडिया में या कहीं जहाँ कहीं भी लोगों को पाबंद किया गया, उनके घरों में उनको मैसूर, एक तरह से मैसूर ही किया गया ना, उनको कहा गया कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इब्तदा में तो चलो यूँ लगा, आपको याद होगा कि लोग खुश थे कि चलें जी हमारे पास हॉलीडेज मिल गई, हॉलीडेज मिल गई, टाइम स्पेंड करेंगे आपस में, खाने पकाएंगे। बल्कि उन दिनों में मैंने देखा कि बहुत सी खवातीन ने डेली बेसिस पे वो अपलोड किए जाते थे स्टेटस के, आज हमने ये पकाया, ये पकाया, तो इनके लिए इट वॉज़ अ गुड टाइम, टाइम उन्हें मिल रहा था फैमिली के साथ, कुछ नई स्किल्स उनमें आ रही थी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि एकदम से जो से डोमेस्टिक वायलेंस का जो सर काफ़ी सारे केसेस सामने आ गए उसके बाद। सही बात है, वो क्योंकि देखे ना, वो जैसे आप फरमा रही हैं वो बबल बस्ट हो गया। वो इब्तदा में ऐसे लग रहा था जैसे लोग एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए घर में रहते हैं, जब पहले भी हॉलीडेज होती थी तो लोगों को सुकून मिला, और हमने भी ये एक्सपीरियंस किया था कि एक दूसरे के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था, फैमिली टाइम नहीं था, क्वालिटी टाइम नहीं था, तो लोग खुश थे कि चलें एटलीस्ट दे गेट टू नो ईच अदर, बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन फिर एक माह, दो माह, छः माह, साल, लेकिन जब लोगों ने देखा कि अब तो हम घर में हैं, खासतौर पर जो मर्द हजरात होते हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, तो उनको कहा तो गया था कि आप घर पे रहें, आपको इतने परसेंट पे मिल जाएगी, जैसे बरतानिया में 80% है, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को यहाँ पे किया गया, तो लोगों को कहा गया कि आपने बाहर नहीं आना। असल बात ये थी कि बाहर आएंगे तो कोरोना वायरस स्प्रेड होगा, तो उसको स्प्रेड को रोकने के लिए लोगों को कहा कि घर रखा जाए, लेकिन वो घर के अंदर आएगा कि नया वायरस जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हार्मफुल था, ये ज़्यादा हार्मफुल रहा है लोगों के लिए, लोगों के लिए। फिर चिड़चिड़ापन, फिर नफसियाती मसाइल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्जैक्टली, स्ट्रेस, डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस लोगों में देखे गए। जी जी, तो अब ये है कि इस पर कुछ लोगों ने बात की, मैंने एक पाकिस्तानी चैनल पर भी देखा था कि यहाँ मॉर्निंग शो पे बात हो रही थी कि नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, क्योंकि नॉर्मली जब हम घर पे होते हैं सबको पता है कि घर की रूटीन है कि कुछ लोग काम पे चले जाते हैं, फिर इतने सर्टेन टाइम के बाद घर पे आते हैं, थोड़ा सा टीवी देखते हैं, खाना खाया, सोशल मीडिया यूज़ किया, फिर सो गए, फिर एक साइकिल चल रहा होता है। लेकिन वो साइकिल में एक डिस्टर्बेंस तो आई थी कि लोग अब 24 घंटे घर पे हैं, बाहर जाएंगे तो बाहर ज़ाहिर है पुलिस या अथॉरिटीज पूछेंगे वहाँ पर क्या करने आए हो, जुर्माना भी हो सकता है, और फिर एक दूसरे को क्या कितनी बातें करते हैं करने के लोग, तो जो लोग आदि नहीं थे एक दूसरे को 6-6 घंटे एक साथ बर्दाश्त करने को, अब 24-24 घंटे एक दूसरे के चक्कर देखने में मजबूर हुए। ये सैड भी है, अजीब भी है। तो आप सोचें फ्लाविया के पुराने वक्तों में भी लोग जो खेती बाड़ी का काम करते थे, उस वक्त तो ये जदीद दुनिया नहीं थी, उस वक्त भी लोग सुबह काम पर चले जाते थे अर्ली मॉर्निंग, फिर दोपहर को या शाम को आ जाते, तो ये एक लाइफ का सर्कल है, साइकिल है, चलता रहता है। बिल्कुल, साइकिल कहाँ भी डिस्टर्ब होगा लोगों को झटका लगता है एकदम। तो हालांकि टेक्निकली तो देखा जाए तो लोग आज की दुनिया में अगर उनको थोड़ा सा मौका मिल जाए उसको बोलें कि आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, आप सिर्फ घर पे बैठ कर सुकून करें, बिल्कुल लोगों को वो भी मंजूर नहीं है। जी, ऐसे ही है। इसके अलावा तो स्क्रीन ज़ाहिर, बल्कि आपके चैनल के मैं तो उससे कहूँगा कि आपको बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, तो इस तरह के टॉपिक्स को भी लाएँ जिस पे ये डोमेस्टिक वायलेंस का भी जैसे हमने जिक्र किया, इसके अलावा खवातीन के अपने बड़े मसाइल हैं। खवातीन, अब आपको क्या लगता है कि खवातीन किस लिहाज से स्ट्रेस हुई, उनके क्या हो सकता था? मर्द तो चले, मैं मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि हमें घर पे रहना पड़ा, हमें जीप लगता था, खवातीन को क्या हुआ?
पहले वो खाना पकाती थी, अब क्या क्या उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? मेरे ख्याल से एक स्पेशल किस्म का ना उनके लिए भी एक प्रेशर बिल्ट हो गया घर में रहते हुए। ज़ाहिर है बच्चे आपके घर हैं, तो पहले वो स्कूल चले जाते थे तो बच्चों की जरूरत लुक आफ्टर या जो भी था स्कूल का सिलसिला उनका चल रहा था, आधा दिन बच्चे बाहर रहते थे। अब एक काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक काइंड ऑफ प्रेशर उनके लिए भी बिल्ट हो गया। बच्चे उनके घर हैं, हस्बैंड उनका घर है, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है। ऑल ओवर सर पे कोई ना कोई तलवार लटकते थे, कभी बच्चों का कुछ कर दो, कभी फिर वो हस्बैंड का कुछ कर दो। तो मेरे ख्याल से उनका जो एक मी टाइम होता था, मी टाइम बीच में से निकल गया है। तो यही है ना, ये सबसे बड़ा यही स्ट्रेस होता है, इसी वजह से एनजाइटी है, इसी वजह से फिर आगे डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाती है। तो वो जो मी टाइम है वो कुर्बान हो गया। बिल्कुल हाँ, ये मर्द के लिए भी था, क्योंकि मर्द जो है वो कई सिर्फ डिफरेंट तरीके से कई दफ़ा सोशलाइज करते हैं। मशरकी ममालिक में देखें तो लड़के बाहर चले जाते हैं, बाहर वो थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं, किसी जूस कॉर्नर पे खड़े हो गए, कोई दोस्तों के साथ इकट्ठ हो गया, खवातीन घर में बैठ गए, आजकल वो व्हाट्सएप के जरिए या किसी और तरीके से अपने रिश्तेदार से बात कर लेती हैं, या फिर कुछ वो गर्ल्स की जो गॉसिप होती है, वही ना वो काइंड ऑफ एक मी टाइम था जो कि अब नहीं रहा। सही है, वो खत्म हो गया। मी टाइम बड़ा जरूरी है। अब इसका हल क्या है? मेरे ख्याल से तो एक ईज ले आनी चाहिए अब इस पैंडमिक में, या जो भी लॉकडाउन है। अब जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एक नई जो है ना एक थर्ड वेव आ गई है, वो पहले ही लोग जो से एनजाइटी में या डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले हैं, तो एकदम से एक थर्ड वेव, इसका मतलब है यू अगेन यू हैव टू स्टे होम। लेकिन अगर हम देखा जाए तो यूरोप वगैरह या जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अब ईज आती जा रही है, इट्स गुड फॉर द कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे जो है अगेन जो है दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, लोग फिर से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होंगे, लोग फिर अंदर रहेंगे। तो आई डोंट नो, लेकिन इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि सोल्यूशंस, सबसे बड़ा सलूशन तो है कि इस मसले पे बात हो रही है, ये होनी चाहिए, ताकि बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बाहर जाना चाहिए लोगों को, बिल्कुल। यहाँ पे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी सब खुला है, लोग आपस में मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर ये एक लॉकडाउन जो है दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, इसको मान कौन रहा है? लंदन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जब पीक भी था तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप बाहर जा सकते हैं, पार्क में जाएं, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, लॉन्ग वॉक्स करें। तो आपको पता है कि जब लास्ट ईयर भी हम तकरीबन घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा अपने लोकल पार्क में हम वॉक करते रहे, और फिर लोगों को देखा कि लोग ज़ाहिर मिलते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस तो रहता है, लेकिन ये कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने हाउस होल्ड के साथ आप बाहर जा सकते हैं, और हम जाते रहे। बीच में सर्दी आ गई, अब दोबारा गर्मी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं मौसम बाहर की तरफ, तो इस एक्टिविटी को ना छोड़ें। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बहुत से लोगों का भी है, कि बाहर जाएँ, घर से बाहर निकलें, घंटे डेढ़ बाहर गुजारें, फ्रेश एयर लें, वो आपके सर से लेके पाँव तक वो हरकत में रहेंगे, टांगे चलेंगी, तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो माइंड में भी जाएगा, दिमाग भी खुला रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अंदर ही लॉकडाउन नहीं रहेंगे उसके अंदर। जी, टीवी नहीं देख सकते आप हर टाइम, टीवी या यूट्यूब पे, वो मोबाइल पे रखेंगे, कोई नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, और खाने भी नए नए ट्राई करने चाहिए, या खुद पकाना चाहिए, दोनों को मिलके लड़के लड़की को, ताकि लड़का भी। फिर भी अगर आप घर पे इकट्ठे भी हैं, अगर फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू भी होता है, तो फिर कोशिश करें कि दूसरे को स्पेस दें, आप स्पेस दें हर एक को, अपने जो है जो भी उसने काम करना है घर के अंदर रहते हुए ना करें, घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि वो जो मी टाइम का वो जो सिलसिला है वो फिर से कंटिन्यू रहे, वो बीच में कोई एक दूसरे को डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट ना हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे हम एक घर में रहते हैं तो एक रूम में एक बंदा बैठा हुआ, दूसरे में दूसरा बंदा बैठा हुआ, तो कभी अलग-अलग भी बैठ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक दूसरे पर प्रेशर डालते रहो, ये कर दो वो कर दो, ये ऐसे है वो ऐसे बंदा है, वो थोड़ी देर सुकून, वाइफ को देखते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, वाइफ बंदे को देखते रहे, ये भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों के लिए टाइम एक दूसरे के निकालें, वो अपने अपने दोस्तों को टाइम दें, फिर खाने के टाइम पे इकट्ठे हों, टीवी आप इकट्ठे देखें, रीडिंग कर लें, अलग अलग कर लें, मिल के कर लें, लेकिन स्पेस देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो घुटन ना महसूस हो। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी आपने टिप्स दी, और आपको अगर अच्छा लग रहा है ये सारा सिलसिला तो आप भी हमें बता सकते हैं कि आपकी फीडबैक बड़ी अच्छी है। मैं देखा कि लोग आपके शो के बारे में बातें भी करते हैं, मैं देखा कि व्यूज़ भी बड़े अच्छे खासे हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें, ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन यह है कि रिश्ता पक्का होता है, तो जो भी नई वीडियो आती है फिर आपको पता चल जाता है। तो द फ्लाविया खान शो इज़ गोइंग गुड, एंड नोट क्या है? थैंक यू सो मच तस्कीन। एंड नोट बस यही है कि अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला दोबारा, जैसे थर्ड वेव हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो सी है दोबारा आ गई है, और शायद दोबारा से लॉकडाउन लग जाए, तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो आप लोगों को एक दूसरे को फिर से मी टाइम देना होगा, या मी टाइम जो भी है आपका आप लोग वो स्पेंड करें, एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि दोबारा से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं ये दोबारा से आगे ना आए। इसके अलावा जो भी आपका स्ट्रेस और एनजाइटी है उस वो सर पर सवार ना हो जाए,
बल्कि जैसे आपका नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसको वैसे ही नॉर्मल आप गुजारते रहें। जाहिर है हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं बिकॉज वो डेंजरस है हमारे अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, इस वजह से घर में रह के ही आप एक दूसरे को स्पेस दें और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको वैसे ही गुजारें। मी टाइम और वी टाइम सबको बैलेंस करके रखें। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपना शो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।